हेलो नमस्कार, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम के दूसरे अंतरा को रिकॉर्ड कर रहा हूं। इससे पहले मैं स्थाई और एक अंतरा का रिकॉर्ड पहले कर चुका हूं, तो इसमें दूसरे अंतरा को मैं गा रहा हूं और इसे मैं सी शार्प से गा रहा हूं। चूँकि हर तरह के स्टूडेंट्स इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसे यहाँ से गा रहा हूँ। ओ, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। फिर से हो, कौन जाने बांसुरिया किसको किसको, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। श्याम का दिव्य कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मेरा का भी श्याम। यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां स्वरों का परिवर्तन है। हो, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। श्याम का कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मेरा का भी श्याम। इसे बहुत धीमी गति से करें। राधा का भी श्याम वो तो मेरा का भी श्याम। और जब अंतरा करते हैं तो इसमें दूसरा पार्ट उस तरह से है। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, तो पूरी तरह इस तरह गाएंगे। हो, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मेरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। तो इस तरह इसे बहुत ही धीमी गति से प्रैक्टिस करें। ये तो जो मैं बताया हूं आपको, ये अधिकतर रिकॉर्ड के नज़दीक है, जो रिकॉर्ड में बजाया गया है गाया गया है उसके आसपास है। निश्चित रूप से एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल, लेकिन बहुत हद तक उसके नज़दीक है। क्योंकि मैं फ्री स्टाइल से गाता हूँ बजाता हूँ, तो निश्चित रूप से उसमें हमारा अपना भी कुछ ना कुछ काम जुड़ जाता है। और जब प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म करता हूँ तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे स्वरों का अलग अलग और भी वेरिएशन बना सकता हूँ, शब्दों का वेरिएशन बनाता हूँ, जिसे कि और भी आनंद आता है। मुझे ये भजन बहुत ही आनंद देता है और निश्चित रूप से ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट भजन है मूवी का, जो लता जी गाई हैं। तो आप बहुत ही धीमी गति से इसे प्रैक्टिस करें और उसके बाद उसे फ्लो में लाने की कोशिश करें, ठीक है। फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।